ग्राम परतवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के समर्थन में की सभा। खास सड़क, लाइट, पानी के मुद्दों को उठाया। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट हॉट सीट में परिवर्तित हो गई है। प्रदेश के सीएम हो या विपक्ष के बड़े नेता हो, हर कोई यहां डेरा डाले हुए हैं। इस समय किसका पलड़ा भारी है ये कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही दलों को यहां जनता का अच्छा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। कराहल क्षेत्र के दौरे पर आए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई जगहों का दौरा किया। इस क्रम में ग्राम परतवाड़ा में कांग्रेस नेता प्रदीप चौहान ने एक चुनावी सभा का कार्यक्रम रखा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उमंग सिंघार ने जनता के बीच क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं उठाई, जिनमें बिजली, पानी, सड़क और किसानों की खाद के अहम मुद्दे शामिल थे। इस दौरान एक महिला भी बीच सभा में उमंग सिंघार से मिलने के लिए जा पहुंची और कहने लगी कि सरकार की 3 किलो चावल और गेहूं से महीने भर का घर नहीं चलता, मुझ गरीब को आवास तक नहीं मिला है। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिंदा भाई। अपने मुकेश जीतेगा। ठीक है, लगना बिल्कुल। क्या कहते हैं, 3 किलो गेहूं देते हैं, 3 किलो में पार पा लेते एक महीना की, नो बताओ 3 किलो 2 किलो चावल देते हैं एक महीना, हम तुम पाल लांगे का पाल, मतलब एक महीना काम चल जाएगा, एक महीना चल जाएगा काम। को आवास मिली, नहीं मिली आवास भी नहीं मिली, नहीं मिले 1800 रुपया कट्टा के। अब क्या करना है ये बताओ। अब तो अपन ने मुकेश को देना बोल। क्या कार्यक्रम था आज आपके ग्राम परतवाड़ा? आज परतवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी एवं प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जी और सांसद प्रत्याशी रहे हमारे नीटू भैया जी, उनका प्रोग्राम था आज परतवाड़ा पर। कैसा क्या प्रोग्राम था, क्या देखने को मिला? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, आप स्वयं भी तो थे विक्की भैया वहाँ पे, हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। क्या लग रहा है भाई, क्या रिजल्ट रहने वाले हैं 3 दिन और बचने पे? रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ये मुकेश मल्होत्रा जी लगभग 15 से लेकर 20 हजार वोटों से विजयी होंगे। आप देख रहे हैं कि बीजेपी के भी मंत्री लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो क्या लग पा रहा है कि जीत आसान हो पाएगी? उनको सब पब्लिक को पता है, कोई आदमी मिलते ही नहीं है उनको, ना कोई उनके प्रोग्राम में जाता है। बोल रहे हैं वो कि विकास होगा और मैं तो अब विकास करने के लिए बीजेपी में आया हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी थे पहले, वो बोल रहे हैं विकास हो तो रहा धरातल पर, देखिए आप लाइट विद्युत विभागों में तो घोटाले हो रहे हैं, ठेकेदार पानी की टंकियाँ बनी है वो देख रहे हो ऐसा विकास के, अगर पकड़ के हलाओगे तो टंकी हिलने लगती हैं, हम सब पूरे की पूरे जनरेशन तो विकास देख रही है। जनता ने क्या मन बना लिया है? जनता ने मन बना लिया है, हमारे आदरणीय हुकुम बाबा साहब जयवर्धन सिंह ने यहाँ पे विजयपुर विधानसभा में काफ़ी अच्छी मेहनत की है और कराल बेल्ट का जुम्मा हमारे आदरणीय जननायक हुकुम बाबा साहब पर निर्भर है और उन्होंने काफ़ी मेहनत कर हमारी उनकी मेहनत रंग लाएगी और हम कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय मुकेश मल्होत्रा जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। लगातार सीएम भी आए हैं बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनता ने मन बना लिया है और हाथ के पंजा वाला बटन दबा दिया है।